हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अकेडमी की इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी स्टेट की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से रिलेटेड कोई रिक्रूटमेंट आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट से सीटें मांगी जा रही हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर रोजाना 3 से 4 यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम टीचिंग से रिलेटेड सभी अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए हुए एक रिक्रूटमेंट के ऊपर। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में यहाँ पर ग्रुप ए की पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कालाहांडी की तरफ से यहाँ पर पोस्ट मांगे गए हैं अंडर स्किल्ड एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। यहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन किया हुआ है। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ जो लिंक मेंशन है फॉर्म अप्लाई करने का, वो भी आप यहीं से फिलअप कर सकते हैं। तो अप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी वेबसाइट से करना होगा। यहाँ पर 4 सितंबर 2024 से आप लोगों का अप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। 10 सितंबर तक ही आपको फॉर्म अप्लाई करने का डेट यहाँ पर दिया जाएगा। 10 दिसंबर के बाद इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसे ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। परमानेंट पोस्ट है, जिसकी सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,31,400 रुपये के करीब यहाँ पर आपकी एंट्री सैलरी बनेगी। एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर 13A1 का रखा गया है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी पोजीशन है वो क्या है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट पर। टोटल यहाँ पर 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट इसमें एससी कैटेगरीज में रखे गए हैं, एक पोस्ट यहाँ पर एसटी कैटेगरीज के लिए रखे गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में भी पोस्ट मांगे गए हैं, 2 सीटें यहाँ पर भी रखे गए हैं। एससी कैटेगरीज में यहाँ पर भी एक पोस्ट है और एसटी कैटेगरीज में भी एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 2 सीटें हैं, एससी कैटेगरीज में एक पोस्ट है और जनरल कैटेगरीज में यहाँ पर एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट्स का पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, वो भी जनरल कैटेगरीज के लिए रखे गए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 सीटें हैं, जनरल कैटेगरीज में मांगे गए हैं। यहाँ पर कुल टोटल जो सीट्स हैं वो 8 हैं, 8 सीटों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर एससी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी कैटेगरीज में 2 सीटें हैं और 3 सीटें यहाँ पर जनरल कैटेगरीज के लिए रखे गए हैं। वहीं हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी AICTE का नोटिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, PhD आप लोगों के पास रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होने जरूरी है, फर्स्ट क्लास से आपने पास आउट किया हुआ है, साथ ही साथ बैचलर और मास्टर्स भी आपका फर्स्ट क्लास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। और इसी के साथ आप लोगों के पास टोटल 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपने किया हुआ हो UGC के माध्यम से, AICTE के माध्यम से, जिसको अप्रूवल मिला हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रिसर्च और इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इंस्ट्रक्शन इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। वहीं एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। अदर से एलिजिबिलिटी भी आप इसे नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। बहुत ही कम समय दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।